अब बात करते हैं ब्रोकरेजेस की और फिर टेलीकॉम की बारी है। भारती एयरटेल और हेक्साकॉम, बताइए कौन सी ब्रोकरेज को पसंद आए हैं और क्या टारगेट्स आ रहे हैं? जी, अगर हम जेफरीज की बात करें तो खरीदारी की राय है और टारगेट को बढ़ा के कर दिया है 1970 का। कंपनी का कहना है कि जो वोडाफोन ने अभी रिसेंटली अपना मार्केट शेयर लॉस किया है उसके चलते आगे टैरिफ बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। जियो को भी आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कि हमें टैरिफ बढ़ाना पड़े। साथ ही साथ फिस्कल ईयर 26 से लेकर 27 तक भारत के रेवेन्यू और एबिटा का जो अनुमान है वो 5 से 9% बढ़ा दिया गया है। साथ में फिस्कल ईयर 26 के मिड में करीबन 10% और फिस्कल ईयर 27 क्वार्टर 2 में 10% टैरिफ बढ़ोतरी का अनुमान भी लगाया गया है। एबिटा में भी करीबन 19% सीएजीआर ग्रोथ की उम्मीद है और लोअर केपेक्स 23% सीएजीआर से मदद मिलेगी और स्टॉक आगे चल के काफी अच्छा रिटर्न भी दिखा सकता है। भारती और भारती हेक्साकॉम दोनों में एक अच्छा खासा पोटेंशियल और की फोकस यही है कि आगे चलकर टैरिफ्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो जियो के एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर आपका वोडाफोन जो लगातार मार्केट शेयर लूज कर रहा है। पार्थिव, आपकी राय क्या है टेलीकॉम प्लेयर्स पर और दोनों पे अगर राय हो तो बताइए, एयरटेल और हेक्साकॉम। देखिए, ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस में हमें लग रहा है आने वाले एक साल के अंदर आगे जाते और टैरिफ हाइक होंगे और हमें ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह का रिलायंस के अंदर भी टारगेटिंग है कि जियो शुड गेट लिस्टेड, तो बिफोर लिस्टिंग हमें ऐसा व्यू लग रहा है कि आगे जाते डेफिनेटली टैरिफ हाइक होंगे। अभी टैरिफ हाइक के सबसे बड़े बेनिफिशरीज नो डाउट जियो तो है ही, लेकिन इवन भारती और हेक्साकॉम दोनों आई थिंक दे आर वेरी वेरी बिग बेनिफिशरी बिकॉज टैरिफ हाइक से बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है और नो डाउट ये स्टॉक्स रन अप काफी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि दे आर वेरी गुड पोर्टफोलियो स्टॉक्स। टॉकिंग अबाउट वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे आई थिंक डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर कंपनी के लिए कि एटलीस्ट इनके आरपू 20-30 रुपीज बढ़े और जिस तरह का वो कैपेक्स कर रहे हैं 15,000 करोड़ का टू इम्प्रूव द 4G नेटवर्क 17 सर्कल्स में, इट्स नीड ऑफ द आवर बिकॉज यहाँ पे उनके जो कस्टमर एट्रिशन हो रहे दैट वुड इवेंचुअली स्टॉप, प्लस गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और आगे जाते इफ एट ऑल एनीथिंग कम्स आउट पॉजिटिवली इन टर्म्स ऑफ द एजीआर ड्यूज जो करीबन 32-35,000 करोड़ कंपनी के लिए आई थिंक सेविंग्स हो सकती है, तो दैट शुड बी अ बिग ट्रिगर। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू द करंट रिवॉर्ड्स। हमें लग रहा है कि आई थिंक द बेस्ट वे टू प्ले द टेलीकॉम थीम इज डेफिनेटली थ्रू भारती एयरटेल और भारती हेक्साकॉम।